भी आपको मतलब इस किरदार में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा से, और आप ऐसी फिल्में लेके आते हैं कि लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं फिल्म देख के। थोड़ा सा बताइए किरदार के बारे में। पहले तो मैं बहुत सबका, आप सबका शुक्रिया बोलता हूँ, और आज सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके का, जिस तरीके का कॉम्प्लीमेंट जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी तो वो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा। और ये फिल्म हम लोग, हमारी हेमंत भाई की, और इसमें बहुत बड़े फ्रेंड टाइप सब दोस्त लोग थे जो आज, चाहे विनय पाठक हों, चाहे संजय मिश्रा जी हों, चाहे हम हों, ये और विजय भाई, सब लोग, ये सुरेश मेनन और मनोज जोशी, सब लोग ऐसे मजे हुए कलाकारों का एक संगम था। और जैसे इसका मैंने प्रोमो देखा तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि ये हमारी ज़िंदगी की ऐसी फिल्म है जिसमें हमारे डायरेक्टर ने 15 दिन लिपस्टिक लगा के और हाथों में चूड़ियाँ पहना के पूरे मॉरीशस मुझे हर सड़क पे दौड़ाया। ये फिल्म आ रही है, एक्चुअली बड़ी खुश हूँ कि एक बहुत अच्छी एक बंगाली परिवार की कहानी है, एक बाप बेटी की कहानी है, लेकिन फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल फैमिली फिल्म है। और ये फिल्म, जैसे आज आपको मालूम है कि जब बहुत फिल्म रिलीज़ करने के बहुत सारे चैलेंजेज हैं, कहीं प्रॉपर थिएटर नहीं मिलना, अच्छे कभी कभी अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन आज बिकॉज ऑफ आप सब की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से कोई अच्छा, अगर कोई अच्छी सिनेमा या अच्छा कोई प्रोडक्ट है तो उसको भी जनता का थैंक यू सो मच कि मतलब वो लोग उसको प्यार दे देते हैं। और हमारे लिए तो ये फिल्म ये कि ये रिलीज़ हुई और सबके साथ में, क्योंकि जब जितनी बार आप इसको देखेंगे तो मेरी ये फेवरेट फिल्म में एक फिल्म होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके की मेहनत हमारे डायरेक्टर ने सारे एक्टरों से करवाई, जहाँ जहाँ शूटिंग हुई, और इतना पसीना बहाया, और थैंक्स गॉड कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब जब फैमिली इस फिल्म को देखेंगी तो हर बाप बेटी, एक बाप का क्या कंसर्न होता है, चाहे कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो, लेकिन बाप के लिए बेटी जो होती है वो सबसे बड़ा हीरा होती है, और वो एक बहुत अच्छा इमोशन देते हुए, लेकिन एक फुल टू फार्सिकल और स्लैपस्टिक और कॉमेडिया दलारते का, तीनों कॉमेडी का जो मिश्रण है वो आपको देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस फिल्म को लोग देखें और आशीर्वाद दें तो लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी जैसे राजपाल सर ने कहा कि सारे जब एक्टर्स साथ में मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स, तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, हमें तो सबसे पहले राज भरत जी को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे निर्माताओं को धन्यवाद देते हैं, वो इसको, क्योंकि पिक्चर बनाना आसान होता है, उसको रिलीज़ करना बहुत बड़ा काम होता है। ये वो लोग जानते हैं जो पिक्चर बना चुके हैं और रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इस यहाँ तक सिनेमा को पहुँचाया, तो बहुत बहुत उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक एक सॉरी, मैं हेमंत भाई, हम लोगों ने इतना इसमें इंजॉय किया कि लगता ही नहीं था कि फिल्म करें। राज भरत जी ने जब पहली बार ये स्टोरी सुनाई थी तो जितने भी हम लोग कास्ट क्रू के लोग थे सब ने कहा था कि फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। और ये रिलीज़ कैसे होगी, रिलीज़ कब होगी, ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन 100% ये अप्रिशिएट होगी इस बात का हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राज जी का जो डायरेक्शन है वो लगभग 17-18 फिल्में वो सुपरहिट दे चुके हैं एज ए डायरेक्टर, तो ऐसे काबिल डायरेक्टर के साथ काम करना हमारे लिए, हम तो बच्चे की तरह काम कर रहे थे और आनंद के साथ काम कर रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म जो है इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपये लेने वाला हीरो नहीं है, बाकी इसमें सब कुछ है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, पिछले हर महीने 3 महीने से लगातार एक एक पिक्चर मेरी रिलीज हो रही है और बम्पर फ्लॉप हो रही है, लेकिन ये पिक्चर के आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये पिक्चर देखी और सोशल मीडिया में उसके बारे में लिखा है। मैं उनके जोश की वजह से अभी ऐसा सच बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। मैंने देखी है, मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू लिया था, स्पेशली लेडीज को तो इतना ज्यादा मजा आ रहा है, और स्पेशली आप लोग का रोल देख के, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इतना लोग हंस रहे हैं कि उनको देखते मुझे हंसी आ रही है। तो मैं बस 2 मिनट में अपना बात खत्म इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो है ना, जिस सच में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, आजकल है नहीं, लेकिन आप सच में, आप लोगों को बोल रहा हूँ, मतलब नमक खा रहे हैं आप भी अपने काम का, अपने धंधे का, तो उस नमक की कसम के आधार पे अगर मैं आपको बोलूँ कि सच में जो एक पत्रकार का काम होता है, उस नाते सच में आप दर्शकों के रिव्यूज लेंगे और जो पिक्चर देख रहे हैं उनके रिव्यूज लेंगे और जिन्होंने वो लिखा सोशल मीडिया पे,
क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा या बुरा लिखने की हिम्मत चाहिए, सोच चाहिए, समय चाहिए, कोई पैसा भी खर्च कर रहा है और लिख भी रहा है, तो इसका मतलब पिक्चर की अच्छाई और पिक्चर की सच्चाई और पिक्चर की बेहतरी के लिए उसने बोला है। तो मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया में इस पिक्चर के बारे में देखने के बाद लिखा, मैं उनके जोश के आधार पर बना रहा हूँ, क्योंकि सिनेमा डायरेक्टर अपना करता है, एक्टर अपनी एक्टिंग करता है। हम तो सुपरहिट क्रिश जैसी पिक्चर में भी अब वही एक्टिंग कर रहे हैं, जो पिछले महीने फ्लॉप हुई उसमें भी वही करी थी, उसके पिछले महीने जो फ्लॉप हुई उसमें भी वही एक्टिंग करी थी, लेकिन इसमें भी वही एक्टिंग करी है। लेकिन इस पिक्चर को, क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ा काम है बनाना, वो हमारे मेरे एक्टर का काम नहीं, वो डायरेक्टर का काम है, एक्टर तो अपनी एक लीड में एक्टिंग करता चला जाए पिक्चर में, लेकिन उसको बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया और दर्शकों को पसंद आ रही है, तो मैं उन लोगों का और आप लोगों का भी, जो मैंने नमक वाली बात करी थी, सच में अगर आप इसको आप आंदोलन के रूप में लेना चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, दो दिन के अंदर ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दो। तो मैं एक चीज़, मैं मुझे कोई बहुत बिना किसी वहम के साथ और बिना किसी अहम के साथ एक चीज़ ज़रूर है कि इस फिल्म को जितनी ईमानदारी से मिस्टर राज भरत जी ने बनाया है, अगर इस ये फिल्म को सही लोगों का प्यार मिल जाए, अगर इसकी पीठ पे कोई इंडस्ट्री का सही आदमी राज भरत जी की जो होता है ना कि एक अच्छा रिलीज़ करने वाले के रूप में, तो 100% साल में जितनी फिल्में सुपरहिट, एक फिल्म और सुपरहिट की लाइन में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन राज भरत जी को, मतलब वो, मैं इस फिल्म के बाद में और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई, राज भरत जी ने साउथ इंडिया में 17 फिल्में सुपर डुपर हिट दी हैं, अगर राज भरत जी ने एक हिंदी में फिल्म बनाई, अच्छे कलाकारों को लेकर बनाई, उसमें 15-17 कलाकारों का कॉम्बिनेशन है, तो हमारी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर से कि कोई फिल्म का पता नहीं है, खराब फिल्म 200 करोड़ की भी फ्लॉप हो जाती है और अच्छी फिल्म 72 लाख की भी 72 करोड़ कमा लेती है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरों से भी और सिनेमा मालिकों से भी और जितने यूएफओ से लेके जितने सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सिनेमा छोटा बड़ा नहीं होता है, आपका दिल छोटा बड़ा होता है, इसलिए 20 साल से या 22 साल से अगर हम लोग इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री के टॉप 10 कलाकार काम कर रहे हैं, तो और यही जनता है जो एक दिन में सालों की ऊर्जा दे देती है, तो सब लोगों से मुझे सिर्फ इस बात में एक ही रिक्वेस्ट करना है, बाकी आई एम वेरी पॉजिटिव, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब फिल्म देखें, लेकिन फिल्मों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ये सब लोग नाइंसाफी करना बंद कर दो, क्योंकि अब आपका सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ। जो भी गलत करोगे तो आपके साथ गलत होने वाला है, बाकी सिनेमा अच्छे काम के साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो इसका उदाहरण हम देख पा रहे हैं अभी जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा करोड़ों रुपये बहाया नहीं गया, तो जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है, जो लोग बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो सच में सिनेमा के दर्शक हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग अंदर भी पिक्चर देख रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने पिक्चर को लेकर जो अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे और हाथ जोड़ के आप बोलेंगे। और सुनिए, और एक सच में हृदय से, मैं मेरी पत्नी और वो से लेके मैं अपने हिंदुस्तान की, अपने बॉलीवुड की मीडिया का कर्जा कभी नहीं उतार सकता, कि उन्होंने, अगर मैं ऑडियंस और मीडिया के जो आशीर्वाद के रूप में, लिखाई के रूप में, परफॉर्मेंस के रूप में, जो जो हमें आशीर्वाद मिले, उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आज भी बना हुआ है। ये फिल्म सच में हिंदुस्तान की अच्छी फिल्मों में एक अच्छी फार्सिकल कॉमेडी फिल्म है पूरे परिवार के लिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चे बूढ़े सब एक साथ देखोगे, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, आपका 100% आपको थोड़ा सा आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। लव यू ऑल, थैंक यू। जिस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उससे कितने खुश हैं आप, और आपको लगता है कि मेहनत फाइनली रंग लाई है फिल्म बनाने के बाद? ऑफ कोर्स तारीफ आया तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सर फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए जिसने अभी तक नहीं देखी है फिल्म। ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा, कलाकार बात कर सकता है डायलॉग, डायरेक्टर क्या बात करता है वो नहीं देखता है, क्या करता है वो देखता है, वो देखने का बोलने का वो लोग का हक है। तब तक हम वेट करना सही है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा हेमंत सर और? अरे ये सब बच्चे लोग, हमारा छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, पूरा ग्रुप ऐसे था, इतना मेहनत किया, ये सच में बोलता हूँ। इसमें 3 गेटअप है, एक गेटअप पे पूरा बाल ऐसे करके 8-10 घंटा का मेकअप का, वो सब बोल नहीं सकता हूँ, पिक्चर देखने के बाद आपको एक आइडिया है।
मैंने 8-8, 10-10 घंटे फर्स्ट टाइम किसी फिल्म के लिए मेकअप लिए बैठना पड़ा सीरियसली। और एक चीज़ और बड़ी अच्छी इस फिल्म के साथ में, अभी क्या है 2020 है, इस फिल्म के माध्यम से और कि हर एक्टर चाहता है कि उसका बेस्ट काम निकले। हमारी भी कई सारी फिल्में हैं जो 2020 में इससे शुरुआत हो रही, 4-5 फिल्में जो मेन लीड में रिलीज़ हो रही हैं, और सब लोग बहुत मेहनत किया, सब लोग मेहनत किया, ये दोनों सबसे ज़्यादा और हमने आया इसका ब्लैक एंड वाइट का प्रमोशन के लिए, थोड़ा हम ऐसे आएंगे, इसको एक बार कवर कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक बहुत ही वाइटल रोल है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं जाके विनय पाठक और संजय मिश्रा को प्रोवाइड करती हूँ, वो अगर नहीं करती तो स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरा। आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इतने एस्टैब्लिश और टैलेंटेड एक्टर्स के साथ। आपने देखा होगा पूरी ही मूवी में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं, और कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसे बहुत मुश्किल से निभाया जाता है, एंड आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसकी वजह से अब बहुत हेल्प मिली सबसे, सारे एक्टर्स से मुझे। और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपके किरदार को देख के, मतलब लोगों से क्या, स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली? एक्चुअली थोड़ा सा ग्लैमरस रोल भी है, मगर सिर्फ ग्लैमर ही नहीं है, जैसे कि वो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। सो आई थिंक ग्लैमर के ऊपर बहुत मिल रहे हैं, और एक्टिंग भी अच्छी खासी कर ली है मैंने, सो उसके ऊपर ऑब्वियसली। और मेरी पहली बॉलीवुड मूवी है, मैं तमिल और तेलुगु मूवी कर चुकी हूँ, मगर बॉलीवुड पहली है, तो एज इट इज़ बॉलीवुड में होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स यही मिल रहे हैं कि यू ऑन देयर ऑन द सिल्वर स्क्रीन, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन लाइफ। एज एन एक्टर किससे इंस्पायर होती है आप? आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं, आप सभी जानते हैं, स्पेशली प्रियंका चोपड़ा। आई थिंक उन्होंने जो अचीव किया है लाइफ में, इट्स समथिंग टू लुक अप टू, एंड ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैं एक्चुअली एंकर भी हूँ, तो मैंने करीना कपूर के साथ भी काम किया है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो येस, आई हैव देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स आई फॉलो, एंड आई मैं ट्राई करती हूँ कि उनसे सीखूँ और कुछ और बेटर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कैसे होता है कि जब हम फिल्म के लिए रेडी हो रहे हैं, रेडी सब रेडी हो गया, फिर कोई बड़ी फिल्म आती है, बड़ी फिल्म आ गई तो बोलते हैं इसको हम रिलीज पीछे रखो, फिर क्या होता है कभी जो आपके नया कोई फिल्म आ गया, नया मतलब जिसको ज़्यादा एक्टर वाला आ गया, तो उसको रिलीज़ करते हैं, प्रॉमिस करते हैं आपको इतना थिएटर देंगे, 600 थिएटर लेंगे, पैसा लेंगे, सब लेंगे, और आइन मुख्य बोलेगा सर नहीं अभी हमको आपको नहीं देंगे, 600 नहीं देंगे, पहला हमको तो 1000 थिएटर का दिया था, फिर बोला कि 600 लाएंगे, 600 से 300 करेंगे, ऐसा करते करते फिर हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि पब्लिसिटी गया है, सब मटेरियल गया है, अनाउंस हुआ है, फिर कैंसिल कैसे करें, तो हम लोग जो है कर दिया। अभी इस पिक्चर को हिट करेगा पब्लिक करेगा, कोई बाकी मीडिया करेगा पब्लिक करेगा, बाकी कोई ये नहीं करेगा, उसको हमने जो बनाना था हमने कर दिया, सामने ला के रखा है पब्लिक के, पब्लिक ने देखना है अभी क्या करना है, पब्लिक करेगी और पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हमको हमारे जो पहले 600 थिएटर 800 थिएटर का वादा किया था, 1000 का वादा किया था, उधर हम पहुंच जाएंगे और पता चलेगा कि ये भी एक सुपर हिट मूवी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छा है राजपाल जी का, उनका काम, उनका गेटअप, उनका यह 2-3 गेटअप में अलग आए हैं, फिर विनय पाठक जी हैं वो कन्फ्यूजन पूरा है, इतने बड़े आर्टिस्ट है, विनय पाठक है, राजपाल यादव, हेमंत पांडे, संजय मिश्रा जी है, वो उनका एक हर आपने जो देखा नहीं अलग अलग किरदार में दिखाई देंगे आपको, और वो पता चलेगा कि पूरा हंसते रहेंगे। मैं बोलूँगा जिसको, जिस आदमी को या जिस इंसान को हंसने से तकलीफ है, वो कृपया ये पिक्चर मत देखे, क्योंकि आपको हंस के तकलीफ होने वाला है, तकलीफ होने वाला आदमी पिक्चर मत देखिए, तकलीफ नहीं है तो देखिए हंस हंस के खुश होना है, देखिए तकलीफ है तो हंसने से पिक्चर मत देखिए। आप लोग आए, धन्यवाद, और देखिए एक बार ये कर लीजिए, हमारी पिक्चर जा रही है अभी, आप उसको आगे कर लीजिए प्रमोट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।